मुझे बता दें तो बस इतना ही कि हाल ही में छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी ने कुछ ऐसे कदम उठाए हैं जिससे ओबीसी एससी और एसटी के लोगों को सरकारी स्कूलों कॉलेजों और नौकरियों में पर्याप्त मौके मिलेंगे। इसके लिए मैं हमारी तरफ से भूपेश बघेल जी को एक बार फिर से धन्यवाद देना चाहती हूँ। मेरे सामने आप बहुत सारे विद्वान स्कॉलर्स और पॉलिटिशियंस बैठे हैं जिसमें मेरे फादर जर्नलिस्ट महेंद्र यादव जी और मेरे प्रोफेसर रमाशंकर कुशवाहा जी भी मौजूद हैं। मैं आप सभी के सामने एक सवाल रखना चाहती हूँ, क्या क्या आप लोगों को पता है कि ओबीसी एससी एसटी के इतने सारे विद्वानों की मौजूदगी के बाद भी इस नई पीढ़ी को सोशल जस्टिस के बारे में कितनी जानकारी है? अगर हमें पता है तो बस यही कि आप जैसे सोशल एक्टिविस्ट बार बार पर सोशल जस्टिस का नारा लगाते हैं और ऐसे सेमिनार्स करते रहते हैं जिससे सोशल जस्टिस का नारा बुलंद होता है। और आगे भी हमें पता है तो यही कि हाल ही में छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी ने ओबीसी का रिजर्वेशन 14 से बढ़ाकर 27% किया है। और पिछली बात करें तो जब माननीय 90s में माननीय शरद यादव जी पहली बार सेंटर में मिनिस्टर बने थे तो उन्होंने ही ओबीसी का रिजर्वेशन लाया था और मंडल कमीशन की रिपोर्ट को जीने लगाया। ऐसा नहीं है कि हम नई पीढ़ी के बच्चों को और कोई जानकारी नहीं होती, हमें और भी जानकारी दी जाती है जैसे पानी बचाओ, पेड़ लगाओ और सफाई रखो। और ये बातें हमारी समझ में आती है और अगर हमें इसे समझाने को बोला जाए तो हम इसे अच्छे से समझा भी सकते हैं। लेकिन जब बात आती है सोशल जस्टिस की तो हम थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लूज कर सकते हैं क्योंकि हमें इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं है। तो क्या आप लोगों के पास इसका कोई सॉल्यूशन है? अगर आप लोगों की बात उन तक नहीं पहुंचती है या पहुंचती भी है तो हमारे दिमागों में घुसती क्यों नहीं? जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ सीएम साहब की फोटो के ऊपर भी और कई लोगों की फोटो है, लेकिन सच बताऊं तो इनमें से एको के अलावा मैं किसी को नहीं जानती। तो सवाल यही है कि हम नई पीढ़ी के बच्चे इनको क्यों नहीं जानते और इन्हें जानने की जरूरत महसूस क्यों नहीं होती? मैं आप बैठे सभी विद्वानों से इस सवाल का जवाब चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ इस बार आप लोगों का जवाब ऐसा होगा जो हम नई पीढ़ी के बच्चों को समझ आएगा और हमें कन्विंस करेगा। मैं दोबारा बोलूंगी कि इस बार आप लोगों का जवाब ऐसा होना चाहिए जो हमें समझ आए और हमें कन्विंस कर सके। आपने मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया उसके लिए बहुत बहुत। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।